ये बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास 8 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम 11 कर रहे हैं और इस सीरीज में हम कर रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जो मेंटल मैथ में चैप्टर नंबर 6 है। बहुत ही इजी है और मैं तो ये कहता हूँ कि आप इसमें से देखें, सीखें और दूसरों को सिखाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम करने वाले हैं 11 से, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से हम करने वाले हैं। जी हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 11 से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 तो सिंप्लीफाई करना है। और 14 में देखो, हाउ मैनी टूज आर देयर इन ए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4000। यदि हम 4000 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो उसमें टू कितनी बार आता, हमें ये फाइंड आउट करना है। देखो है ना, कितने मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही इजी हैं और एक नई तरीके से दिए हुए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। एग्जाम में आए तो डरना नहीं है, कर देना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 401 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें वो लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना होगा जो 401 में हम उसको ऐड कर दें और ऐड करने पर ये फिर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका मतलब 401 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब बनेगा, जब हम इसमें ऐड करते हैं। तो आइए करना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को पहले से लिख के रखा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 11 से हम करेंगे। तो इसको करना है सिंप्लीफाई, बहुत ईजी है। तो आइए मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ। 225 स्क्वायर रूट के साइन के अंदर है और ये डिवाइड करना है 3 से, और यहाँ पर आ गया 2। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर रूट को हम कर लेते हैं सॉल्व। तो 225 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 15, और यहाँ पर डिवाइड करना है 3 से, और होल स्क्वायर गिवन है। अब ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो 15 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो 5 पे चलती है, तो 5 यहाँ पर इस तरीके से 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 × 5 मीन्स 25। ये आपका आंसर आ गया, बहुत इजी तरीके से है। और बच्चों मैं तो ये कहता हूँ कि 1 से 20 तक आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड आउट होने चाहिए, मीन्स याद होने चाहिए, तब बड़े ही इजी तरीके से निकल आते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ पर इसको भी सिंप्लीफाई करना, ये भी बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पर 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, ठीक है। आइए मैं इसको यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ बच्चों, यूँ का यूँ 100 प्लस, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ, 9/100 लिख लेता हूँ, ठीक है। 9 यू का यूँ, पॉइंट के लिए 1 लगाया, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है तो 20, इस तरीके से। आइए करना शुरू करते हैं। यहाँ पर 100 स्क्वायर रूट के साइन के अंदर है, तो 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, और यहाँ पर प्लस, और 9 का होता है 3, जी हाँ, और यहाँ पर 100 का होता है क्या होता है, 10 होता है, इस तरीके से, ठीक है। और अब आप 10 यू का लिखे प्लस, और यहाँ पर देखो बच्चों 3 लिख दिया ना मैंने, तो इसमें देखो यहाँ पर 10, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे इस तरीके से, और इसके आगे 0 लगा दो, और इसको जब हम ऐड करते हैं तो आ जाता है 10.3, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। आइए इसको एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पर √25 और 121, ठीक है, √25/121। तो 25 का रूट होता है बच्चों 5, और 121 का होता है 11। ये आपका आंसर आ गया, बहुत ईजी था, छोटा सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आइए हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 पर, जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर पूछा है कि टूज कितनी बार आता है, तो आइए 400 के हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो 2 से करते हैं, 2 × 2 = 4, यहाँ पर 0 आ गई, फिर 0 इस तरीके से, तो 2 से फिर 2 × 1 = 2, और 1 × 0 = 2 = 3, यहाँ पर 2 से फिर 2 × 5 = 10 हो गया, यहाँ पर 2 × 0 आ गई, और फिर 2 से 2 × 2 = 4, और 1 × 0 = 2 × 5 = 10, 0 यू की यूँ, फिर 2 से करते हैं 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आगे इसको बढ़ा लेते हैं, 5 × 2 = 10, 5 से करेंगे 5 × 5 = 25, फिर 5 से 5 × 5 = 25, और फिर 5 × 5 = 5, इस तरीके से। हमें सिर्फ टूज बताना है, तो कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 times ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा,
मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा लिस्ट नंबर है जो 401 में अगर ऐड कर दिया जाए तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जाहिर सी बात है 401 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आइए हम इसको सोल्व करते हैं एक शॉर्ट मेथड विधि से। यहाँ से पेयर बना लेते हैं और इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए 4 जो है ये 2 का स्क्वायर नंबर है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे और नेक्स्ट पेयर हम नीचे डाउन कर लेते हैं और 2 का डबल कर देते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर आया 1। अगर हम 1 पे भी चलाए तो आता है 41, ठीक है बच्चों, जो कि ग्रेटर नंबर हो गया है। तो अगर 41 में से मैं इस 1 को माइनस कर देता हूँ तो आता है 40, ठीक है। अगर यहाँ पर 40 ऐड होता, 40 में ऐड करके देखो तो 41 हो जाता, और 41 हो जाता तो 41 का यहाँ पेयर उतरता, तो 41 से 41 डिवाइड हो जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो लिस्ट नंबर कौन सा आ गया, 40 आ गया, ठीक है। द लिस्ट नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, द लिस्ट, ये आपका क्वेश्चन हो गया, द लिस्ट नंबर इज 40, ठीक है। ये आपका वो नंबर है। अब 401 में हम 40 ऐड कर देते, 441 ये नंबर बनता है, और 441 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और आंसर आपका ये रहेगा, ठीक है। और इसमें से सीख कर दूसरों को सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।